जोधपुर कृषि उपज मंडी स्थित चौधरी क्राफ्ट केयर नावक कीटनाशक विक्रय केंद्र पर क्राइम ब्रांच और एग्रीकल्चर विभाग की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस दुकान पर नकली कीटनाशक बेचा जा रहा है। नावक कीटनाशक डुप्लीकेट बनाकर बेचा जा रहा था। कीटनाशक का सैंपल लिया गया और जांच के लिए भेजा गया। इस दुकान से 19 पेटी डुप्लीकेट नकली कीटनाशक बरामद। क्राइम ब्रांच का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर कीटनाशक नकली पाया जाता है तो कॉपीराइट एक्ट के तहत और धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। भूमिका ये जो सर ने बताई है वही बताना चाहूँगी कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि FMC कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी का यहाँ पे केवल 42 या लगभग 40 लीटर ही आया हुआ है कोरोजिन और इन प्रतिष्ठान में इसके अतिरिक्त भी पाया गया है, तो उसकी हम लोग सैम्पलिंग ले रहे हैं उसके आगे कितना है। और वो उनका कंपनी का कहना है कि ये चूँकि हमारे द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, तो वो उन लोग उसको बोल रहे हैं कि वो नकली है। तो अब तक हम लोग टीम आ गई है एग्रीकल्चर विभाग की, तो हम लोग सभी का जितना भी है यहाँ पे सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग के लिए उसको संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और जो भी रिजल्ट आएंगे उससे। कृषि में किस कार्य हेतु कृषि जो है थोड़ा कंफर्म करके वो करूँगी है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उपयोग तो होता ही है। आपका तो नाम? मैं बोल रही हूँ प्रतिभा गौर, SGO एग्रीकल्चर जबलपुर। से सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी विजयनगर यहाँ पर चौधरी क्राफ्ट केयर इनके द्वारा डुप्लीकेट कोराजेन नाम का कीटनाशक बेचा जा रहा है। इस सूचना की तस्दीक कराई गई, परचेस कराई गई और कंपनी वालों से बात की गई, उनके द्वारा इसमें संदेह व्यक्त किया गया। इसके बाद दृढ़ कार्रवाई की गई और उसमें एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया और संयुक्त रूप से जांच पर पाया गया कि इनके द्वारा कोराजोन नाम का जो कीटनाशक है वो कंपनी से अधिकृत नहीं है और इनके द्वारा कहां से लाया गया, कहां से प्राप्त किया गया और इसकी जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आती है और इस कृत्य के लिए यदि डुप्लीकेट पाया जाता है तो धोखाधड़ी के अलावा कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा और इन पर कार्रवाई की। लगभग कितना माल है जब्त हुआ और कितना है? ये लगभग 19 पेटी है टोटल और इसमें सभी से सैंपल प्राप्त किया गया है और सैंपल प्राप्त करके जांच की। कितने का वो करीब? ये 19 लाख करीब।